नगर निकाय चुनावों के कैंडिडेट्स की बात करें तो आप किस आधार के ऊपर कैंडिडेट्स का चयन करेंगे? क्या पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी? आपको थोड़ी बताऊंगा वो। जैसे आम आदमी पार्टी युवाओं के ऊपर फोकस कर रही है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी युवाओं के ऊपर फोकस करेगी। हम 50 साल से कम उम्र के युवाओं को, महिलाओं को, विभिन्न वर्गों को हम देंगे और विनिंग कैंडिडेट्स हमारी प्राथमिकता रहेगी। पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करूं तो वो भी अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए, इसका कितना असर आपको नगर निकाय चुनावों के ऊपर पड़ने वाला है? बरवाला की बात की जाए तो रामनिवास घोडेला के इसके अंदर शामिल होने के बाद कितनी मजबूती नगर निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस को मिलेगी? महंगाई सातवें आसमान पे, जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री जो है वो एकदम मस्त है। लोगों में एक आक्रोश भरा हुआ है या भाजपा की सरकार और भाजपा की नीतियों के खिलाफ, जिससे कि किसान, युवा, महिलाएं, सभी वर्ग इससे पीड़ित हैं। यानी कि दबे पैर आप भाजपा से अपना कंपटीशन मान रहे हैं? हमें जीतना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जो विपक्ष है उनको किसी को कम नहीं समझ रहे और मजबूती के साथ उनसे लड़ेंगे। अब मैंने आपसे एक ही बात कही, कांग्रेस एक तो जिताऊ और जिताने के बाद टिकाऊ, ताकि वो कांग्रेस में रहे। आप टिकाऊ की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दल बदलू नेता या फिर जो भी चुनाव लड़ते हैं वो कांग्रेस के अंदर ही सामने आ रहे हैं। मान लीजिए स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है, नगर निकाय के अंदर कैंडिडेट कांग्रेस का जीत जाता है तो अक्सर ये आरोप लगाता है कि स्टेट के अंदर से उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। किसान नाराज, युवा नाराज, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, उसके अलावा महिला वर्ग जो है पूरी पीड़ित है कि उनका घर खर्च जो है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कौन सा कांग्रेस का ऐसा लूप पॉइंट है जिसे इस बार सही करके आप चुनाव जीत सकते हैं? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नगर निकाय चुनावों की घोषणा होते ही रणनीति सबकी बनने लगी है, कौन सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगा और कौन सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी को लेकर के आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से यहाँ पर ऑब्जर्वर पहुंचे हैं शिशुपाल राजपुरोहित जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज इन्होंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया और किसकी लिस्ट जो है अब आगे भेजने वाला है। शिशुपाल जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले रणनीति क्या बनाई है? यहाँ पहुँचने के बाद में नहीं, पहुंचने से पहले ही रणनीति चालू हो गई थी, क्योंकि हम लोग लगातार संपर्क में थे। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं कांग्रेस के, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, उसके अलावा जो हमारे बूथ के वर्कर हैं, बूथ के हमारे जो पदाधिकारी हैं, तो आने से पहले उन सबसे हमने कहा था कि भाई आप अपना अपना फीडबैक लेके आइए, और उनको कुछ हमने पॉइंट्स दिए कि इन इन ग्राउंड पे, इन रियलिटी के ऊपर आप जो है आकलन करके आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके आइए कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या जो है पार्टी की पोजीशन है और आप लोग क्या चाहते हो और क्या आप सुझाव देना चाहते हो, वो उनके साथ आप आइए। अगर नगर निकाय चुनावों के कैंडिडेट्स की बात करें तो आप किस आधार के ऊपर कैंडिडेट्स का चयन करेंगे और क्या पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी या फिर बिना सिंबल के चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है? रही बात है सिंबल पे या बिना सिंबल पे, तो उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। वो हमने अभी फीडबैक लिया है और वो फीडबैक हम हमारी आला कमान को पहुँचाएंगे। शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि चुनाव सिंबल पे लड़ना है या चुनाव जो है किस आधार पे लड़ना है। रही बात कैंडिडेट्स, हमारा जो पहली जो प्राथमिकता है वो हमारी ये है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो टिकाऊ और जिताऊ। कुछ समय पहले राहुल गांधी की मैंने एक फोटो देखी थी, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ था कि इस बार बदली हुई कांग्रेस लेकर के आएंगे चुनावों के अंदर और युवाओं को सबसे ज्यादा मौका देंगे। इस बार जैसे आम आदमी पार्टी युवाओं के ऊपर फोकस कर रही है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी युवाओं के ऊपर फोकस करेगी, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं बिग न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो चिंतन शिविर हुआ है कांग्रेस का, पूरे हिंदुस्तान के शीर्ष नेता उसमें मौजूद थे, उसमें सबसे बड़ा एक मूल मंत्र ये निकल के आया कि हमें युवाओं को तरजीह देनी है, महिलाओं को तरजीह देनी है, और विशेष तौर पर 50 साल से कम उम्र के 50% टिकट हम 50 साल से कम उम्र के युवाओं को, महिलाओं को, विभिन्न वर्गों को हम देंगे। जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे और विनिंग कैंडिडेट्स हमारी प्राथमिकता रहेगी। आज ज्यादा मंथन हिसार के अंदर किसके ऊपर हो रहा है, कौन सा जिला ऐसा है या फिर कौन सा एरिया ऐसा है, शायद बरवाला के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है?
खाली बरवाला ही नहीं है, चाहे आसी हो, चाहे बरवाला हो, चाहे ज़िले के अंदर, हमारे तो लिए सारे ही बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक को लेके हम पॉइंट कर रहे हैं, हम एक सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। और सभी जगह हमारा, हमारे लिए हर चुनाव और हर जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है। हम चुनाव को चुनाव की पूरी तैयारी के साथ उसी रणनीति से लड़ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करूं तो वो भी अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए, इसका कितना असर आपको नगर निकाय चुनावों के ऊपर पड़ने वाला है? और अगर बरवाला की बात की जाए तो रामनिवास घोडेला के इसके अंदर शामिल होने के बाद कितनी मजबूती नगर निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस को मिलेगी? देखिए, कांग्रेस का जो मजबूती की जहाँ तक बात है, तो कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है और निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे एक गठबंधन की सरकार चल रही है, उस सरकार के अंदर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि किसान नाराज हैं, उसके अंदर आम जनता नाराज है, जिस तरीके से महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और जो चाय, चीनी, शक्कर, दाल या खाने का तेल, महंगाई सातवें आसमान पे, जनता त्रस्त है और मुख्यमंत्री जी और इनके मंत्री जो हैं वो एकदम मस्त हैं। जनता सबक सिखाएगी इनको इन जो निकाय चुनावों के अंदर, और कांग्रेस निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार और एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। इस तरीके से जमीनी हकीकत है, लोगों में एक आक्रोश भरा हुआ है या भाजपा की सरकार और भाजपा की नीतियों के खिलाफ, जिससे कि किसान, युवा, महिलाएं, सभी वर्ग इससे पीड़ित हैं। यानी कि दबे पैर आप भाजपा से अपना कंपटीशन मान रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक मैं समझता हूं, हम तो किसी को कम आकलन नहीं करते। हमारा जो है पूरा रणनीति वो है, वो पूरी तरीके से ये है कि हमें जीतना है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हरियाणा विकास पार्टी हो। तो हम लोग जो हैं वो निश्चित तौर पे एक संयुक्त जो विपक्ष हैं उनको किसी को कम नहीं समझ रहे और मजबूती के साथ उनसे लड़ेंगे। अगर नगर निकाय चुनावों की बात करूं तो आप हिसार के आसपास पड़ने वाले हलकों के अंदर एक बार बता सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट के ऊपर आप लोग दाव खेल सकते हैं या फिर आपको मजबूत लग रहा हो जो अभी तक आप यहां पर आए हैं, फीडबैक आपने दिया है? देखिए, जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, वो तो अभी शीर्ष नेतृत्व जब तय करेगा। हमने यहाँ पर नाम जो है आकलन लिए हैं, हमने हमारा जो काफ़ी टाइम से हमारा फीडबैक ग्राउंड लेवल से हम लोग ले रहे हैं, तो हमें रिपोर्ट्स तो लगातार आ रही थी, हमने उसको वापस रीचेक भी किया है, क्रॉस एग्जामिन भी किया है, हमने एकदम कार्यकर्ताओं से भी लिया है, तो हमने नेताओं से भी लिया है। तो अभी उन्हीं के ऊपर जो मंथन करके जो उसमें सबसे बेस्ट हमको लगेगा कि हु इज़ द विनिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है। अब मैंने आपसे एक ही बात कही, कांग्रेस एक तो जिताऊ और जिताने के बाद टिकाऊ ताकि वो कांग्रेस में रहे, और फिर तीसरा मेन जो फोकस है वो है हमें युवा, उसके अंदर 50 साल से कम उम्र के 50% टिकट हमारा संकल्प है। आप टिकाऊ की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा दल बदलू नेता या फिर जो भी चुनाव लड़ते हैं वो कांग्रेस के अंदर ही सामने आ रहे हैं। और अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, जब भी कहीं पर भी किसी हलके के अंदर या फिर किसी एरिया के अंदर चुनाव होता है छोटे लेवल का, तो वहाँ पर अक्सर लोगों की राय ये रहती है कि स्टेट के अंदर जो पार्टी है उसको वोट दिया जाए, क्योंकि पैसा तो वहीं से आना है। क्योंकि अगर मान लीजिए स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है, नगर निकाय के अंदर कैंडिडेट कांग्रेस का जीत जाता है, तो अक्सर ये आरोप लगाता है कि स्टेट के अंदर से उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आप लोगों का एक लूप पॉइंट रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग पिछले चुनाव में गुजरात में लगे हुए थे, गुजरात के अंदर जब नगर निकायों के चुनाव हुए थे, और उससे पहले गुजरात के अंदर जब ग्रामीण अंचल के अंदर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें अधिकांश सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी। तो ऐसा कहीं नहीं है कि अगर वो लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि देखो हमें किसान नाराज, युवा नाराज, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, उसके अलावा महिला वर्ग जो है पूरी पीड़ित है कि उनका घर खर्च जो है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बेरोजगारी आपको मैंने बता दिया, किसान किस तरीके से पीड़ित है, आपने, आपका एक महत्वपूर्ण चैनल है, आप तो जनता के बीच रहे हो, आपने देखा है कि किस तरीके से किसान। तो जब सभी समाज के वर्ग नाराज हैं सरकार की गलत नीतियों के, सरकार के गलत कार्यक्रमों से, और वो सब जो गुस्सा और उसका जो है वो ये चुनाव आने वाले जो चुनाव है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक पिछला चुनाव था, आपने देखा कि कांग्रेस ने काफ़ी मजबूती से लड़ा और बहुत अच्छी तादाद में कांग्रेस ने फाइट दी और बहुत कम अंतर रह गया कुछ सीटों का, जो बहुत ही मामूली अंतर से आ रही। तो आज सुबह से आप अपनी मीटिंग कर रहे हैं यहाँ, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा कांग्रेस का ऐसा लूप पॉइंट है जिसे इस बार सही करके आप चुनाव जीत सकते हैं? वो आपको थोड़ी बताऊंगा, वो ताकि फिर भी कोई कमी आपको नजर आई हो जो ऑल ओवर लोगों के अंदर दिखाई देती हो आपको? देखिए, ओवर एंड ऑल ऐसी कोई बहुत इस तरीके से कमी तो नहीं नजर आई, लेकिन फिर भी छोटी मोटी कुछ बातें हैं क्योंकि हम परिवार हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है। पिछले चुनावों को लेकर इस बार के चुनावों के अंदर कोई ऐसी रणनीति जिसके अंदर बदलाव करेंगे?
बिल्कुल एक ही रणनीति है, जीत जीत और जीत निश्चित तौर पे। लेकिन ये जीत मिलेगी कैसे, इसकी क्या रणनीति है? उसकी रणनीति वही हम आपसे कह रहे हैं कि हमने रणनीति हमने पूरी बना रखी है, ग्राउंड रूट के ऊपर हर एक बूथ के ऊपर हमने इस तरीके से बनाया कि हमारा बूथ मैनेजमेंट मजबूत हो। और बूथ पे ज़्यादातर हमने फोकस किया है यूथ, वो जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो संघर्षशील कार्यकर्ता युवा साथी जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को, जो हमारे कांग्रेस के विचारधारा के वोट हैं या जो आम आवाम में इस तरीके का एक संदेश दे सके कि किस तरीके से भाजपा के और इसके संयुक्त जो संगठन की गठबंधन की सरकार है इसके कुशासन के अंदर किस तरीके से जनता पीड़ित है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आपको ज़ोरदार टक्कर दे पाएगी? भाई नहीं है कोई टक्कर में, सिर्फ कांग्रेस जो है वही जीतने वाली है। हम तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टक्कर नहीं मान रहे, और आप तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा तो भारतीय जनता पार्टी से। एक सवाल इसी के अंदर अटैच करना चाहूँगी कि लोग जानना चाहते हैं कि कांग्रेस सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, कितने प्रतिशत सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ने के आसार हैं? ये कोई ओपिनियन पोल या ये कोई आप वो मेजरमेंट तो मैं उसका तो जवाब दे नहीं सकता, पर ये बात पक्की है कि जो भावना है कार्यकर्ताओं की वो ये निकल के आई है कि अगर सिंबल पे चुनाव हो तो कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मौका मिलेगा कि कम से कम पार्टी का सिंबल नीचे जा रहा है, पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता जो पार्टी से कई लंबे टाइम से जुड़ा है उसको एक अवसर मिलता है कि वो आगे काम करे और उसको एक सम्मान मिलता है। कुछ कुछ दिनों के अंदर देखा जाता है कि कांग्रेस के अंदर काफ़ी सारे धड़े हैं और कांग्रेस पार्टी अलग अलग धड़ों के अंदर बढ़ती हुई भी नज़र आती है, चाहे वो हलकों की बात की जाए, ज़िले की बात की जाए, शहर की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है इसका कितना लूज पॉइंट जो है कांग्रेस को इस बार पड़ने वाला है? मुझे यहाँ पे ना तो कोई धड़े नजर आए ना कोई बात है। आप धड़े की बात करें, आज आप जहाँ जिस कांग्रेस भवन के अंदर खड़े हैं वहीं पर कुमारी शैलजा को हटाने के बाद यहाँ हुड्डा जी का पोस्टर लगाया गया था वो भी उसके ऊपर, तो आपको नहीं लग रहा कि धड़ा है यहाँ जबकि आप यहाँ खड़े हैं? इसी कांग्रेस भवन की मैं बात बता रही हूँ। देखिए मैडम ऐसा है, आज आप अपने चैनल की जो है एक बहुत ही लोकप्रिय कॉरेस्पोंडेंट है, ठीक है, कल आपकी जगह कोई और आके ये माइक पकड़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश की एक सम्मानित अध्यक्ष थी शैलजा जी, तो निश्चित तौर पे उनका तस्वीर लगा हुआ था। अभी उसके बाद में जब हुड्डा जी आए हैं तो हुड्डा जी की तस्वीर लगी है। आप मुझे ये बताइए कि जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं वो मुख्यमंत्री जी की तस्वीर उनके कार्यालय में लगी हुई है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनकी तस्वीर चेंज करके, ये एक सतत प्रक्रिया है, इसको कहीं किसी रूप में वो विवाद या और कोई रूप में देखना ही नहीं चाहिए। तो चलिए ये थे मेरे साथ। एक बात है, ये काट पाट की बात तो छोड़ दो, बाकी ये है चाहे शहर का चुनाव हो चाहे गांव का हो, कांग्रेस पार्टी 90% से कम नहीं कहीं भी रहोगी, 75-75 को नहीं 90% है। मैं तो चाहूंगी सारी 90% रहे। हाँ अब का चुनाव होगा ने इसमें 90% कांग्रेस आएगी, ये तो क्लियर है, चाहे गांव में चले जाओ चाहे शहर में कहीं सर्वे कर लियो। और अब ये काट पास बंद कर दी, हमसे होल्डिंग भी ना लाओ, बिना होल्डिंग सारी जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर आए, उनसे बात करने की कोशिश की गई कि नगर निकाय के चुनावों को लेकर के कैसे मंथन किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है शिशुपाल राजपुरोहित जी अपनी रिपोर्ट जा करके आला कमान को देंगे, उसके बाद देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार नगर निकाय का चुनाव सिंबल के ऊपर लड़ेगी या फिर गैर सिंबल लड़ेगी, और कितने प्रतिशत युवाओं को इस बार मौका दिया जाने वाला है और कौन कौन से युवाओं का इस बार कांग्रेस पार्टी मौका देने वाली है। खैर आगे भी आपको दिखाते रहेंगे कि जो ये वोट पड़ने वाले हैं, 19 को वोट पड़ेंगे, 22 को रिजल्ट आने वाला है, उसके अंदर कौन जो इस बार बाजी मार लेगा। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है आपके हल्के के अंदर कौन सा कैंडिडेट सबसे आगे चल रहा है। नमस्कार।